हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स आज आप मोस्ट ट्रेंडिंग बॉटम डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और इस डिज़ाइन को हम अफ़ग़ानी प्लाजो बैलून प्लाजो या अफगानी सलवार के नाम से जानते हैं तो पहले इस बॉटम की हम कटिंग कर लेते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं तो अफ़ग़ानी बॉटम के लिए मेरे पास ये ढाई मीटर का फैब्रिक है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अगर आपके पास कम कपड़ा है तो भी आप इसे ईजीली बना सकते हैं तो अब हमें इसे इस तरह से चार फोल्ड कर लेना है अब इस पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है जितनी भी आपकी तैयार लेंथ होगी पहले उसकी हमें मार्किंग कर लेनी है कोई भी इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना है तो हमारी तैयार लेंथ है 36, 36 पर मैंने एक मार्किंग की है अब इस वाली मार्किंग से दो इंच के गैप पर एक और निशान लेंगे तो यहाँ पर हमें इलास्टिक डालनी है तो इलास्टिक के लिए मैंने दो इंच एक्स्ट्रा ऊपर से लिया है अब यहाँ से हिप का निशान लेंगे तो जितना भी आपका हिप का नाप है उसे आपने चार से डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करने के बाद उसमें ढाई इंच लूजिंग के लिए ऐड कर देने हैं तो हमारा हिप मेजरमेंट इक्कीस इंच का है तो यहाँ पर मैं तेरह इंच पर मार्क कर रही हूँ अब यहाँ से हमें क्रॉच लेंथ लेनी है तो क्रॉच एरिया की भी मैं तेरह इंच पर ही मार्किंग कर रही हूँ और ये मार्क हमें नीचे वाले निशान से लेना है अब इन दोनों निशानों को इस तरह से लाइनअप कर देंगे अब क्रॉच एरिया की गुलाई के लिए यहाँ से ढाई इंच पर मार्क करेंगे अब यहाँ से हमें क्रोचेरिया की गुलाई देनी है इस तरह से तो यहाँ से देखिए हमारा जो थाइस मेजरमेंट है वो साढ़े पंद्रह इंच पर आ रहा है आप चाहें तो इसे थोड़ा बढ़ाकर भी रख सकते हैं अब यहाँ से हमें पोंचे के लिए लूजिंग लेनी है और पोंचे की लूजिंग भी मैं तेरह इंच पर ही ले रही हूँ तो जैसे हम लूज़ प्लाज़ो की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस बॉटम की कटिंग रहती है बस इसको सिलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देंगे तो बॉटम की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब इस वाली मार्किंग से इसे कट कर लेते हैं तो दोनों पल्लों की हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है अब एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में कर देते हैं अब देखते हैं इसे सिलना किस तरह से है तो ये हमारे पास दो पल्ले हैं इसे ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें दोनों साइड की आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है तो दोनों पल्लों को एक बराबर सेट करने के बाद इस पर हमें सिलाई कर लेनी है सो so, इस डिज़ाइन को हम अफ़ग़ानी सलवार और अफ़ग़ानी प्लाजो भी बोलते हैं पर ये जो डिज़ाइन है वो अफ़ग़ानी प्लाज़ो का है क्योंकि जो अफ़ग़ानी सलवार होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका इससे डिफरेंट होता है अफ़गानी सलवार का वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अगर आपको सीखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और ऊपर से हमने जो मार्जिन छोड़ा था इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है और फोल्डिंग मैंने सवा इंच पर की है एक इंच की मैं यहाँ पर इलास्टिक डालूंगी तो सवा इंच की मैंने यहाँ पर फोल्डिंग रखी है अब फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर लेंगे देखिए इलास्टिक लगाने के काफ़ी सारे तरीके रहते हैं दो से तीन वीडियो इस पर मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और इलास्टिक लगाने का ये तरीका भी काफ़ी इजी है तो जितनी चौड़ी आप इलास्टिक लोगे तो फोल्डिंग आपने थोड़ी उससे ज़्यादा लेनी है अब यहाँ से सिलाई को थोड़ा सा ओपन छोड़ देंगे यहाँ पर हम इलास्टिक फिल करने के बाद सिलाई करेंगे अब इस पर जो हमने इलास्टिक फिल करनी है उसका मेजरमेंट देख लेते हैं आपने किस तरह से लेना है इलास्टिक की चौड़ाई मैंने ली है एक इंच की और इसकी डबल फोल्ड के बाद लंबाई है चौदह इंच की तो जितनी भी आपकी कमर का साइज होगा उससे आपने तीन से चार इंच कम कर लेने हैं तो मेरी सत्रह इंच की यहाँ पर कमर थी तो मैंने तीन इंच यहाँ पर कम कर अब ली इलास्टिक के एक कॉर्नर पर सेफ्टी पिन लगा के यहाँ से हमने जो स्पेस छोड़ी थी यहाँ से इलास्टिक को फोल्डिंग में फिल कर देंगे जिस तरह से डोरी फिल करते हैं सेम उसी तरह से अब इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को इस तरह से ओवरलैप करके इस पर हमें स्टिच कर देना है इस तरह से इस पर तीन से चार बार आपको सिलाइयाँ करके इसको पक्का कर लेना है अब इलास्टिक को सेट करने के बाद जो हमने फोल्डिंग यहाँ पर ओपन छोड़ी थी इसे भी सिलाई लगा के बंद कर लेंगे अब, अब इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे पर यह सिलाई लगाने से पहले इलास्टिक को इस तरह से आपने तीन चार बार स्ट्रेच कर लेना है ताकि जो हमने इलास्टिक इसमें लगाई है वो पूरी कमर पर अच्छे से सेट से हो जाए अब देखिए ये हमारी इलास्टिक पूरी कमर पर सेट आ चुकी है अब इसके सेंटर में हमें सिलाई कर देनी है और ये सिलाई ना इलास्टिक को पूरा स्ट्रेच करके लगाएंगे कर इस तरह से और पीछे से भी इलास्टिक को खींचते जाना है तो ऐसे हमें पूरी इलास्टिक पर सिलाई लगा लेनी है तो देखिए ये इलास्टिक हमारी लग चुकी है तो बहुत ही आसान तरीका है आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इलास्टिक लगने के बाद अब हम इसके पौछे को रेडी कर लेते हैं पौछा रेडी करने के लिए कपड़े को हमने इस तरह से सीधा रखना है अब यहाँ से हम इस पर प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे और प्लेट्स हमें बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पर रेडी करने हैं ज़्यादा बड़े आपको प्लेट्स इस पर नहीं डालने तो यहाँ पर मैं आधा इंच से भी कम के प्लेट्स यहाँ पर रेडी कर रही हूँ और सेम डायरेक्शन में ये प्लेट्स हमें रेडी करने हैं और प्लेट्स लगने के बाद पोंछे की चौड़ाई हमारी आ रही है चौदह इंच पर मैं यहाँ पर तेरह इंच का पोंचा रेडी कर रही हूँ एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए अब एक्स्ट्रा कपड़े में से साढ़े तीन इंच चौड़ाई में एक पट्टी कट की है तो इसकी हम पहचे की पट्टी रेडी करेंगे अगर आपके पास कंट्रास्ट में नहीं उड़ती है तो आप उस फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं कपड़े को सीधा रखेंगे और इसे पहुँचे के नीचे वाली साइड पर इस तरह से सेट करके इस पर हमें सिलाई लगानी है और जो हमने इस पर पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई करनी है अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे अब इस पट्टी को सीधी वाली साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से आप इस पोचे को फ्यूज़ पेपर या बुकरम के साथ भी रेडी कर सकते हैं तो फोल्डिंग मैंने सवा इंच की रखी है तो सिलाई को बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे फिनिशिंग के साथ तो ये सिलाई लगने के बाद अब इस पर हमने लैस अटैच करनी है तो मैंने हाफ़ इंच चौड़ाई में ये वाइट कलर की लेस ली है आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले लें अब इस लेस को पोंचे पट्टी के नीचे की ओर रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से ये लैस हमारी अटैच हो चुकी है अब इस पहुंचे पट्टी को फिल कर लेंगे तो मैंने इस पर एक पैर का गैप छोड़ते हुए स्टेट सिलाइयों के साथ इसे फिल कर लिया है आप इसे सिलाई के अलावा लेसेस के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप कोई चौड़ी लेस लगा लें इस पर बारीक लेस लगा लें इसके अलावा गोटा पट्टी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है आप इसे गोटा पट्टी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं तो सिलाइयाँ है हमारी लग चुकी हैं अब इस पर हमें फिटिंग की सिलाई कर लेनी है सेम इसी तरह से आपने दूसरे पोंचे को भी रेडी कर लेना है पोंचे की लूजिंग मैंने साढ़े छः इंच की रखी है आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकती हैं तो सिलाई लगने के बाद अफ़गानी प्लाजो बन के पूरी तरह से रेडी है तो देखिए जो हमने पहुंचे पर लेस अटैच की है इसके साथ कितनी प्यारी लुक आई है बॉटम की काफ़ी आसान है इसे बनाना और ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में भी है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और डिज़ाइन का फोटो या वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमसे शेयर कर आईडी मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ सो so फ्रेंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो का लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि जब भी नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय